हाँ भाई, कैसे हो? आई होप ठीक ही हो गए यार। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है किससे? नैनलाइट ने न्यू लाइट लॉन्च की है जिसका नाम है पेवो ट्यूब 2 6E RGB लाइट। ये लाइट मुझे भेजी गई है फॉर रिव्यू, तो आ जाओ पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल जा। यह है लाइट, ये है एक बहुत नाइस सा पाउच। इसमें क्या है? ये है एक चार्जिंग कॉर्ड, ये है एक रिस्ट स्ट्रैप और ये है मेटल प्लेट्स। और बॉक्स में क्या है? ये है इसकी कैटलॉग। और ये क्या है? ये एक जहर की पुड़िया। अब इसे ऑन करते हैं। ये ऑन कैसे आती है? सबसे पहले तो भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक की फील नहीं। इनफैक्ट मुझसे 2 बार गिरी है पर इससे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही चल रही है, सॉलिड चीज़ है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स पे। तो सबसे पहले इसमें 22 mAh की बिल्ट इन बैटरी है जो सिंगल चार्ज पे अप्रॉक्स 2 आवर्स चलती है अगर इंटेंसिटी 100 पे हो। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी 50 पे कर दूं तो ये 4 आवर्स चलेगी, राइट? अब ये हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लैंड लाइट ने इसको ख़ुद से हिसाब किताब करना सिखा दिया। नहीं समझे? पहले की लाइट्स में सिर्फ बैटरी ब्लॉक्स बने हुए आते थे जिनका कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब चार्जिंग ख़त्म हो जाए और कब लाइट बंद हो जाए। यार तुम बड़े लानती इंसान हो यार, तुम्हें बोला है यार चार्ज करके रखा करो यार बैटरी। पेवो ट्यूब में ये फीचर है कि जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी तुम चेंज करोगे ये रिमेनिंग बैटरी आवर्स एंड मिनट्स में बताएगी। नाइस। हाँ तो यार मैं ये कह रहा था कि ठीक है, हमारी लाइट के अंदर सिर्फ बैटरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो वाले फीचर नहीं है जो तुम्हारी लाइट के अंदर है। लेकिन यार सारी लाइट्स ही चाइना मेड होती हैं, हमारी लाइट भी चाइना मेड है, लेकिन इतनी बुरी बैटरी भी नहीं होती कि यार कभी भी चलते हुए बंद हो जाए। यार कसम से तुम जलील करवा रहे हो। अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए और तुम किसी रिमोट एरिया में हो जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं, तो ये पावर बैंक से भी चार्ज हो जाती है। लेकिन ये बेस्ट पार्ट नहीं था। बेस्ट पार्ट ये है कि चार्जिंग पे लगाकर शूट करो, चार्ज भी होती रहेगी और बैटरी भी ख़त्म नहीं होगी। बस कर दे भाई, जान लेगा क्या? कमाल। इसकी दोनों साइड्स पे वाटर नट्स के होल्स हैं, मतलब किसी भी ट्राईपॉड, लाइट स्टैंड, मोनोपॉड, गोरिल्ला पॉड पे इजीली अटैच हो जाएगी। और इसके अंदर मैग्नेटिक प्लेट्स बिल्ट इन हैं, मतलब किसी भी मेटेलिक जगह पे इसकी चुंबकीय ताकत इसको चिपका देगी। और अगर कोई बहुत ही अनोखी जगह पे इसको अटैच करना चाहते हो तो इसके साथ मेटल प्लेट्स हैं जिनको गैफर टेप के साथ कहीं पे भी अटैच करो और इस लाइट को चिपका दो। इस लाइट के साथ एक बहुत नाइस सा स्ट्रैप भी है जो इजीली अटैच हो जाता है इसके साथ, और फिर इस लाइट को कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। और उसके अलावा इसको रिस्ट में पहन सकते हो लाइट की सेफ्टी के लिए। अब चेक करते हैं इसके मोड्स। पहला है CCT जिससे कलर टेम्परेचर चेंज होता है और जिसकी रेंज है 2700K से 7500K। फिर है HSI। HSI का फुल फॉर्म है ह्यू सेचुरेशन इंटेंसिटी। फुल 360 ह्यू कलर रेंज है।
सेचुरेशन 0 से 100 तक चेंज कर सकते हैं और इंटेंसिटी भी 0 से 100 तक है। ज़बरदस्त। अब थर्ड मोड पे हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मैं आपको दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊं। This is extraordinary bell for बात सुनो, ये लाइट मिलेगी कहाँ से? हौसला, जल्दी क्या है, बताते हैं अभी। इस लाइट में और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम मेरे व्लॉग्स में दिखते रहेंगे, क्योंकि ये लाइट अब कहीं नहीं जा रही, ये लाइट अब मेरी है, तो थोड़ा सब्र कर लो। ये तो हो गई बिल्ड क्वालिटी और इसकी फीचर्स पर बात। अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं इस लाइट का दीवाना हो गया हूँ। पहली, सीआरआई समझते हो? नहीं, मैं बताता हूँ शॉर्ट में। सीआरआई का फुल फॉर्म है कलर रेंडेशन इंडेक्स, जिसकी रेंज होती है 0 से 100 तक। जिस लाइट का सीआरआई 85 से अबव हो वो वीडियो लाइट है, और जिस लाइट का CRI 85 से बिलो हो वो वीडियो लाइट हो सकती है, बट क्वालिटी वाइज वो वीडियो लाइट नहीं। ये वो वाली लाइट है जो शादियों में एक अंकल अपने कैमरा के ऊपर लगाकर स्टेज को जगमगा देते हैं और उनको लगता है उन्होंने अपना काम कर दिया। बिल्कुल अंकल, आप सही हैं, आपने अपना काम कर दिया। दुल्हन ने बड़े ही दिल से रेड ड्रेस बनवाया था और आप मरून शूट करके आ गए। अब ख्वारी है कलर ग्रेड वाले की। बेहतरीन अंकल, वेल डन। इस लाइट का CRI एवरेज 95 है, कमाल है। दूसरी चीज है इसका ये शेड जो इस लाइट को सॉफ्ट करता है। किसी भी लाइट को सॉफ्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज यूज करनी पड़ती है जिससे वो लाइट सॉफ्ट हो। इस लाइट के अंदर ये सॉफ्ट शील्ड बिल्ट है ना। तीसरी, हर मोड में इस लाइट की इंटेंसिटी रेंज है 0 से 100, मतलब 1% पे भी ये लाइट यूज़ कर सकते हो, और ये बात मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भाई, मेरे हिसाब से ये बेस्ट बजट लाइट है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। इससे अच्छी फीचर पैक्ड लाइट मैंने तो नहीं देखी, तुमने देखी है तो बताओ। अब वो शादियों वाली लाइट लेके नहीं आ जाना यार, ये हाथ है मेरे भाई। CRI सही नहीं है उसकी, छोड़ दो उस लाइट का, पीछा छोड़ दो। सुना नहीं वो क्या कह रहे? CRI भी ठीक नहीं है इसका, अंकल को दे दो ये, हम दूसरी लेते हैं, शाबाश, इसको बंद कर दे अब। तो सवाल पैदा ये होता है कि ये लाइट मिलेगी कहाँ से? भाई, यहीं से मिलेगी, पाकिस्तान में। नैन लाइट का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर W3Shopping.com, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, और नैन लाइट से जो भी चीज़ चाहिए हो वहाँ से जाकर देखो और W3Shopping के ऊपर आकर ऑर्डर कर दो, होम डिलीवरी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? हैं, लाइट भी चाहिए, डिलीवरी भी चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा और। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू नैन लाइट एंड थैंक यू W3Shopping, बाय। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, आई लव यू।